एक व्यक्ति जिसने भगवा वस्त्र पहनकर पूरे विश्व में भ्रमण किया हो, जिसे बचपन से ही ईश्वर को देखने की जिज्ञासा हो, जिसके बुद्धि तेज और सरल स्वभाव ने पूरे देश को गौरवान्वित किया हो, जिसका ये बोध वाक्य हो कि अगर उन्हें 100 निष्ठावान युवा मिल जाएं तो वे इस देश की काया पलट कर देंगे। ऐसे युवा सहित पूरे देश के प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। स्वामी विवेकानंद जिनके बचपन का नाम नरेंद्र था, बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे और बचपन में ही वो ईश्वर की खोज के लिए निकल पड़े थे। असल में उनका जन्म तो कलकत्ता में हुआ था, लेकिन उनका बहुत सा समय मध्य प्रदेश में भी गुजरा। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के निर्माण में मध्य प्रदेश का जो योगदान रहा है उसको आज स्मरण करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी शारदानंद ने यह वर्णन किया है कि नरेंद्र मतलब स्वामी विवेकानंद का समाधि का पहला अनुभव मध्य प्रदेश में ही रहा। दरअसल नरेंद्र 1877 को जब 14 साल के थे तब उनका रायपुर आना हुआ था। उनके पिता वकालत के सिलसिले में रायपुर आए थे। जब उन्हें लगा कि उनको रायपुर में काफी समय लगेगा तो उन्होंने अपने परिवार को भी रायपुर बुला लिया था। नरेंद्र अपने छोटे भाई और माँ के साथ रायपुर आ रहे थे। उस समय यातायात के नाम पर बैलगाड़ी और तांगे ही चलते थे, तो नरेंद्र को जबलपुर से रायपुर तक का सफर बैलगाड़ी से ही तय करना पड़ा था। लगभग 15 दिन का वो सफर जो पूरा प्राकृतिक था। ईश्वर की ये प्राकृतिक संरचना, पेड़, पर्वत, पर्याप्त फलों से लदे वृक्ष जिनमें मानो ये खो गए थे। कितनी दूर तक इस भाव में मग्न होकर वो बैलगाड़ी पर पड़े रहे, उन्हें कुछ याद नहीं था। जब पुनः उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वो अपना स्थान छोड़कर काफी दूर आगे बढ़ गए हैं। बैलगाड़ी में वो अकेले ही थे, इसीलिए यह बात और किसी ने न जान सकी। नरेंद्र को भाव समाधि का प्रथम अनुभव मध्य प्रदेश की यात्रा में ही हुआ। अगर बात की जाए विधाओं की और कलाओं की तो वो भी उन्होंने रायपुर में ही सीखी। शतरंज में वो एक समय पर माहिर हो गए थे। रायपुर के जाने माने खिलाड़ियों से होड़ लगाते थे और उसके बाद उन्हें हराते भी थे। यही नहीं, स्वामी विवेकानंद को जिस मधुर संगीत के कारण उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस मिले थे, उस मधुर संगीत का ज्ञान भी विश्वनाथ बाबू ने उन्हें रायपुर में ही दिया था। अब हम बात करेंगे शिकागो में आयोजित हुई उस विश्व धर्म सभा की, जहां पर उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया था, जिसकी वजह से वो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बने थे। उससे मात्र एक वर्ष पूर्व वो मध्य प्रदेश के जंगलों में घूम रहे थे। शिप्रा नदी और नर्मदा नदी के किनारे वो भ्रमण कर रहे थे। अपने प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद भिक्षा लेकर अपना पेट भरते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के परिवारों के बीच रहने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वो भिक्षा नहीं लेंगे। कारण था उन अनुसूचित जाति के लोगों की गरीबी। उनके सामने कुछ ऐसे असभ्य लोग भी आए जो उन्हें भिक्षा नहीं देते थे, उन्हें डांटते थे, उन्हें फटकारते थे, उनका तिरस्कार करते थे। तो वहीं उसी समय वो अनुसूचित जाति के लोगों के बीच भी रहे, उनके परिवार में भी वो कई दिन तक रहे। उन लोगों के हृदय की श्रेष्ठता देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए थे। एक समय पर उन्होंने भिक्षा लेना छोड़ दिया। शुरुआत में कई दिक्कतों का सामना भी किया, कई कठिनाइयां भी आई। एक बार तो खाली पेट भूखे प्यासे जंगलों में चलते रहे। शाम को हारे थके शरीर के साथ वो एक पेड़ के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक बाघ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। उस समय स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि हम दोनों ही भूखे हैं, मैं इस शरीर से किसी का कल्याण तो कर नहीं पा रहा। वे बिना हिले डुले सोते रहे। बाघ उनकी ओर बढ़ता है और अचानक दूसरी दिशा में चला जाता है। जिस शिकागो में विश्व धर्म सभा को स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था, पूरे विश्व में इस देश को और हिंदू समाज को गौरवान्वित किया था, उस धर्म सभा में जाने की इच्छा भी स्वामी जी ने मध्य प्रदेश के खंडवा में जाहिर की थी।
वर्ष 1893 में स्वामी जी मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंचे। यहां घूमते घामते वे एक हरिदास चट्टोपाध्याय नामक वकील के घर के सामने आए। पहले वकील हरिदास ने सोचा कि ये अन्य साधु की तरह है, लेकिन कुछ बातों के बाद उन्हें समझ आ गया कि ये असाधारण संत है। इसी प्रवास के दौरान जब उन्होंने हरिदास चट्टोपाध्याय से ये कहा कि यदि कोई शिकागो के लिए मेरे यातायात का खर्च उठा ले तो सब ठीक हो जाएगा, मैं जाने को तैयार हूँ। अगर आज देश के किसी भी युवा से ये पूछा जाए कि आपके आदर्श महापुरुष कौन है, तो वो जुबान पर सबसे पहले स्वामी विवेकानंद का नाम लेगा। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।